हम बात करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग की सेकेंड पार्ट, कस्टम फॉर्मेटिंग की हम सेकेंड पार्ट को आपके साथ डिस्कस कर लेगा। अब जैसे आपके सामने हमने लास्ट क्लास में आपके साथ बातचीत की थी कि हम कस्टम फॉर्मेटिंग में किस किस तरह का कोड इस्तेमाल करते हैं, साथ में हमने एक आर्टिकल दिया था आपको पढ़ने के लिए, आई होप कि आपने उस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ा होगा। जी तो यहाँ हम उसी चीज पे डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने उस आर्टिकल का। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमने जैसे कोई अमाउंट लिखा तो इसके ऊपर हम एमआरपी लगा सकते हैं एज ए विजुलाइजेशन। तो कस्टम में जाते हैं, हम लिखते हैं इन्वर्टेड कमा में एमआरपी और स्पेस करके जीरो दे दे के एंटर मारते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके सामने एमआरपी 500 आ गया, राइट। अब यहाँ मैं ये चाहता हूँ कि एमआरपी 500 आया है इसी पॉजिटिव के लिए। अगर मैं नेगेटिव 600 करता हूँ तो देखिए माइनस एमआरपी 600 आया। मैं चाहता हूँ माइनस में जैसे हो वैसे ए क्या हो जाए। आपकी रिकॉर्डिंग परमिशन नहीं आई अभी तक, आपने दोबारा ज्वाइन किया है क्या? जी 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 तो माइनस में डालते ही यहाँ पे डिस्काउंट आना चाहिए, क्या आना चाहिए? डिस्काउंट। और हमने इसको माइनस में डाला तो माइनस में डालते ही क्या आना चाहिए? डिस्काउंट आना चाहिए। तो कैसे होगा? तो आर्टिकल में आपने देखा होगा पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड टेक्स्ट, चार चीजें। तो यहाँ जो हम डालते हैं इसके चार पार्ट होते हैं और सेपरेट जो होता है वो सेमी कॉलन होता है। सेमी कॉलन से सेपरेट किया, यहाँ पे हमने पॉजिटिव दिया और यहाँ हमने देते हैं इन्वर्टर कमा में डिस्काउंट, फिर जीरो कर दिया और फिर सेमी कॉलन यहाँ पे देते हैं हम फ्री, फिर सेमी कॉलन हम देते हैं डेटा नॉट फॉर्म। तो पहला जो हो गया पॉजिटिव का हो गया, दूसरा हो गया नेगेटिव का, तीसरा हो गया जीरो और चौथा हो गया टेक्स्ट का। अब जैसे ओके करते डिस्काउंट आ गया सर। अगर नेगेटिव पॉजिटिव में होगा तो ये दिखेगा 1500 हमने डाला, नेगेटिव 450 डाला डिस्काउंट ऑटोमेटिक आ गया, जीरो डालता हूं तो फ्री आएगा और जैसे कुछ टेक्स्ट डाल दिया तो डेटा नॉट फाउंड आए। ओके, अब यहां पे ये तो हो गई। अब यहां पे क्वेश्चन यहां पे आता है किसका बेनिफिट क्या है, समझे कि इसका बेनिफिट क्या है। कुछ दिमाग में आ रहा है इसके बेनिफिट कहां करेंगे आप? सेल्स रिपोर्ट में देखिए बहुत सी जगह पे हो सकता है लेकिन एक जगह मैंने इसका यूज किया था, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा, नीचे से ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ पे हमारा मान लीजिए डेट, हमारा डेट और इस डेट को हमने ड्रैग कर दिया। तो बेसिकली हमने अपने टीम से जो हमारा जो ऑपरेशंस टीम है उनसे हमने बोला कि मुझे अटेंडेंस देनी है, तो बोला मेरे पास अटेंडेंस का कुछ ऐसा तो नहीं है लेकिन उन्होंने बताया कि आप जो है एक काम कर सकते हो। क्या उन्होंने बताया कि आप जो है मेरे पास जो डेटा है इसका डेटा है बायोमेट्रिक डेटा है जिसमें 0.9 हमने यहाँ डाल दिया और ये इसको हम सिलेक्ट करते हैं। कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, अब बोला है कि यहाँ पे हमने लिस्ट दे दिया कि किसने कितना कितना बार अपना
बायोमेट्रिक यूज किया है, जैसे ऑफिस में जाते हैं तो बायोमेट्रिक हो सकता है या हो सकता है एक्सेस का, राइट। तो किसने कितना कितना बार अपना एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल किया या बायोमेट्रिक इस्तेमाल किया उसका रेट आ गया। तो इसमें जो नंबर्स हैं, मतलब उस दिन उन्होंने अपना एक्सेस कार्ड यूज किया है, और जिनके पास नंबर्स नहीं है, जो जीरो है, मतलब उस दिन वो अब्सेंट थे, तो इनको हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक किया और गया फॉर्मेट सेल पे, कस्टम पे गए और यहाँ पे हमने बोला ए पी सॉरी पी तो पॉजिटिव नंबर के लिए पी सेमी कॉलम। निगेटिव हमारे डेटा में नहीं है, नहीं है सर, तो निगेटिव का स्थान हम ब्लैंक छोड़ देंगे और यहाँ हम देखेंगे ए फोर अब्सेंट। हमने क्या बोला, ए फोर अब्सेंट, और जैसे ने इसको ओके किया आप देखे कि हमारा पी जो है और नंबर्स पी में कन्वर्ट हो गया और जीरो ए। समझे सर कि नहीं आप लोग? सर ये जो टेक्स्ट है वो तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मेट है पहला पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, तीसरा जीरो, चौथा कोला, ये फिक्स है। ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें मैं चाहता हूं कि जो मेरा नेगेटिव है उसको कलर कर, तो इसको हमने यहाँ पे कर दिया रेड। हमने रेड को कैसे लिखा, हमने रेड को लिखा डबल कोटेशन मार्क, सॉरी बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट, हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, तो क्या हो गया आपके सामने देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा रेड कलर। तो इस तरह की कलर्स भी आप दे सकते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप जो है रेड ग्रीन ब्लू श्याम मजेंटा जैसे कोड को डाल सकते हैं, ठीक है ले रहे सर? ठीक है सर। तो इस तरह की कलरिंग हम कैसे करते समझ में आ गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीरो और हैश नंबर्स को शो करने के लिए होता है, तो टेक्स्ट के लिए भी है, टेक्स्ट के लिए है एट द रेट। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कंपनी का नेम डाल रहा हूँ, ठीक है। अब कंपनी के नेम में मैं बड़ा बड़ा हमेशा एम स्लैश एस लिखना पड़ता, तो यहाँ हम जाएंगे कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर और यहाँ पे हम दे देंगे इनवर्टेड कॉमा में एम स्लैश एस, और यहाँ जीरो हैश नहीं देंगे क्योंकि तो टेक्स्ट है, हमें तो कंपनी का नेम तो टेक्स्ट होगा ना, जीरो हैश से शो थोड़ी करेगा। यहाँ पे देना होगा हमें बस एट द रेट, एट द रेट जो होता है वो टेक्स्ट के लिए होता है, एंड ओके कीजिए आपके सामने दिख जाएगा रिजल्ट, ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर। अब मैं कोई भी नाम लिखूंगा तो इस तरह से हो जाएगा, मान लीजिए मैंने कुछ भी लिखा, लेकिन लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास कंपनी नेम नहीं, मेरे पास एड्रेस है, पर एड्रेस का सिपी सब में सेम है, तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं, कस्टम में आते हैं और यहाँ एट द रेट देते हैं, बाद में हम दे देते हैं जैसे कि न्यू दिल्ली 110062 और हमने क्लोज करके ओके कर, समझे? क्लियर है? ये टेक्स्ट सिर्फ डिस्प्ले होगा? हाँ जस्ट डिस्प्ले, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अपना अमाउंट चेक वगैरह, एक बार मैंने इसका यूज और किया था, मैंने एक चेक प्रिंटिंग का एक ये बनाया था, चेक प्रिंटिंग का एक फॉर्मेट बनाया, वो चेक प्रिंटिंग का फॉर्मेट क्या करता था कि चेक प्रिंट करता था, तो मैं अमाउंट था मेरे पास चेक था, तो मैं चाहता था कि जो अमाउंट है वो होता है जब लिखते हैं जो वर्ड में लिखते हैं,
वो तो अलग है, अमाउंट के बाद वो जितना खाली जगह बचते उस पर स्टार लगा देते हैं। तो अमाउंट को आप लिखिए इसमें, किसमें? टेक्स्ट टेक्स्ट में। हाँ, कस्टम पे जाइए और यहाँ एट द रेट दीजिए और उसके बाद एक स्टार। अब स्टार के बाद जो लिखना चाहते, जैसे मैं स्टार ही लिखना चाहता हूँ तो आप स्टार कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि जितना जगह बचेगा उस पर स्टार लगा। अगर जगह बड़ा होता है तो स्टार बढ़ जाएगा, जगह छोटा होता है तो स्टार कम जाएगा, समझे? स्टार के जगह पे हैश चाहिए तो एक स्टार के बाद जो दूसरा स्टार उसके जगह पे हैश कर दीजिए, ओके हैश लिया, समझे कि नहीं सर? जी चलिए एक और चीज करते हैं। मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पासवर्ड ओरिजिनली तो पासवर्ड रहे लेकिन उसके बीच का जो हमारा पासवर्ड जो है वो शो हो जाए किस तरह के नंबर, किस तरह के एक ऐसे करेक्टर में। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो बार स्टार लिख दिया एंड ओके किया, अब इस पे कोई भी पासवर्ड डालेंगे वो स्टार लिखा सर, तो हमने सिर्फ दो बार स्टार डाला था, स्टार की जगह पे एक स्टार एक हैश कर दीजिएगा तो क्या होगा, समझे? क्लियर है जी? सर ये फॉर्मूला में जो वैल्यू आई है 154 जो जो डिस्प्ले में तो हैश दिख रहा है और वो 154 जो हमारा, क्योंकि मैंने बताया ना कि सिंपल सा मेथड है, किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग से आप ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। नहीं नहीं मेरा क्वेश्चन है उसको हाइड कर सकते हैं क्या, जो 154 है वो भी दिखे नहीं? हाँ ये तो हाँ उसके लिए प्रोटेक्शन में बताऊंगा। अच्छा राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल और यहाँ पे इसको कर दीजिए प्रोटेक्शन, कर दीजिए हिडन और डाल दीजिए पासवर्ड। दिखा दिख रहा इसमें? दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा अब आपको जो है कुछ ऐसा करना है, आपको कुछ ऐसा ढूंढना है कि ये नंबर टेक्स्ट दोनों पे दिखे। ठीक है हो पाएगा कि नहीं? क्या सोच रहे हैं? अब यहां पे कस्टम फॉर्मेटिंग खत्म होती है। अब कस्टम फॉर्मेटिंग में अगर आप इसमें अब और ज़्यादा फॉर्मेट करना चाहते हैं तो एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का होगा, क्योंकि हम आपको दिवाली के बाद पढ़ाएंगे। ठीक है? ठीक है। तो छुट्टी रहेगी, सैटरडे संडे तो आपका ऑफ जनरल होता ही है जी, मंडे दिवाली है और ट्यूजडे छोटी दिवाली है, तो वेनसडे थर्सडे फ्राइडे फिर हम पढ़ाएंगे आपको, वेनस्डे थर्सडे फ्राइडे तीन दिन, सैटरडे को भी हो सकता है हम पढ़ा दें, फिर वापस संडे आपको 31 तक ये तीन दिन क्लास में होगी क्योंकि छठ पूजा में व्रत होगी। ठीक है सर? हो सकता है कि अगर मैं गाँव चला गया तो ये दिन भी नहीं पढ़ा। सर मैं 26 को अवेलेबल नहीं हूँ सर। अच्छा 26? हाँ देख लेंगे सर, 26 तक वापस आ गया। उसके बाद फिर एक तारीख से मतलब 1 अक्टूबर से फिर कोई छुट्टी नहीं रहेगी कंटिन्यू क्लास होगा। ठीक है सर? ओके ओके। हाँ कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो, उसके लिए कोई डाउट नहीं करते। ठीक है सर? ठीक है सर, ये प्रैक्टिस करते हैं सर। एक और क्वेश्चन है सर कि आप कोई बुक रिकमेंड करेंगे क्या?
जैसे आप पढ़ा तो रहे हैं वो हम याद भी कर लें, और कोई नया चीज आए बुक हो की पीडीएफ या कॉपी, हाँ आपने कोई। दिवाली दिवाली के बाद बोलेगा बुक की पीडीएफ कॉपी भेज दूंगा, पीडीएफ कॉपी है मेरे पास, ठीक है। हाँ, और और शॉर्टकट के शॉर्टकट के लिए लिए भी कोई कोई तरीका तरीका है याद नहीं, करने के मैंने लिए? बताया था शॉर्टकट के लिए आप सर्च यहाँ मिल जाएगा लिस्ट, आपको सर्च कीजिए एक्सेल हेल्प अच्छा, में, एक्सेल हेल्प में जाइए, सॉरी ठीक है। शॉर्टकट, ये आपका दिख गया कीबोर्ड शॉर्टकट में एक्सेल। अब वो याद कैसे करें, प्रैक्टिस से प्रैक्टिस ही सर, आएगा प्रैक्टिस या से और याद होगा, रट्टा कुछ? मारने से याद थोड़ी होगा, अच्छा, ठीक है। ठीक है सर, चलिए प्रैक्टिस करते हैं।